हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ में वेज पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही बेहतरीन पुलाव होता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है बासमती राइस और ये मैंने कम से कम 3 कप मैंने चावल लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और 150 ग्राम मैंने पनीर लिया है और 1 कप मैंने हरी मटर ली है। ये कुछ गर्म मसाले हैं और इसे मैं पुलाव में डालूंगी। और ये मैंने सूखे मसाले लिए हैं, इसमें मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। इसमें मैं मटर को बनाऊंगी और फूड कलर और केवड़ा लिया है और नमक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ मैंने ले ली एक छोटी सी कढ़ाई और इसमें मैंने कम से कम 1.5 चम्मच मैंने तेल डाला है और इसे गर्म होने देंगे लो फ्लेम पे। तब तक हम इस मसालों को पानी में डालकर भिगो लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पानी डालकर इसे मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो मैं पहले पनीर फ्राई करूँगी, तो थोड़ा थोड़ा डालकर हम पनीर को फ्राई करेंगे। हल्के गोल्डन होने तक हम लोग पनीर को फ्राई करेंगे। ये देखिए पनीर फ्राई हो गया है, इसी तरह से इसको फ्राई करेंगे। अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ और बचे हुए पनीर को भी फ्राई कर लेंगे। तो पनीर सारे फ्राई हो चुके हैं और मैं अब उसी ऑयल में मैं इन मसालों को डाल दूंगी जिसे हमने भिगा कर रखा था, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, ये देखिए थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मटर को डाल के और इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। एक चीज़ यहाँ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मटर में भी नमक डालेंगे और पुलाव में भी डालेंगे, तो नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और अब इसे मैं ढक के लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी और इसे ऐसे पकने दूँगी। जब तक हमारी मटर बन रही है तब तक हम इधर चावल बना लेते हैं। तो मैंने एक थोड़ा बड़ा कुकर लिया है और इसमें मैंने 2 से 1.5 टेबल स्पून मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और वो खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं। खड़े गरम मसालों में मैंने तेज़पत्ता, लौंग, इलायची और दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है और ये मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं धो के। और चावल को अब इसी में कम से कम 2 से 3 मिनट भून लेंगे, अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे इसे। और ये देखिए चावल भुन गए हैं और अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटा गिलास पानी डाला है और अब मैं इसमें नमक डालूंगी। यहाँ पर भी मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें मैं 1 ही विसल लूँगी। चलिए इधर देखते हैं हमारी मटर कितनी बन गई है। मटर पूरी तरह से बनकर तैयार है, मैं आपको इसे चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए पूरी तरह से गल गई है और इसकी ग्रेवी इतनी ही रखनी है क्योंकि इसे हमें चावल में मिक्स करना है। और अब मैं इसमें पनीर को भी डाल के मिक्स कर लूँगी। तो ये मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया है। चावल हमारे बनकर तैयार हो गए थे और इसमें से आधा चावल मैंने निकाल लिया है और अब मैं मटर और पनीर का लेयर लगाऊंगी इसमें। तो मैं पूरा इसमें लेयर लगा दूंगी और ये बचे हुए चावल ऊपर से डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से करना है। और मैंने यहाँ पर फूड कलर डाला है और इसे बंद करके 2 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पर छोड़ दूँगी।
ये देखिए हमारा पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है। जब आपका दाल चावल खाने का मन ना करे, कुछ अच्छा खाने का मन करे और झटपट बनकर तैयार हो जाए तो ये इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही अच्छी लगती है और इसे रायते के साथ में सर्व करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। Thank you.